आज की रेसिपी बहुत ही क्लासिक रेसिपी है, जिसे आप पूड़ी, पराठा, रोटी और चावल के साथ तो खाएंगे ही, और अगर आपको कटोरी भर के मिल जाए तो आप ऐसे ही खा जाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट रेसिपी होता है। वैसे तो आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास मौके पर ज़रूर से बनाया जाता है। जैसे कि हमारे यूपी में जब भी कोहड़ौरी डाला जाता है, तो उस दिन ये इनहड़, ये उड़द दाल की कढ़ी ज़रूर से बनाई जाती है। ये एक प्रथा है, एक प्रचलन है। कहा जाता है कि अगर आप उस दिन इनहड़ या कढ़ी नहीं बनाएंगे तो आपके घर सुंदर बहू या सुंदर दुल्हन नहीं आएगी। तो जो यूपी के हैं उन्हें तो ये प्रथा, ये प्रचलन पता ही होगा। राधे राधे जी, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। वेलकम टू माय कुकिंग वीडियो। तो आज मेरे किचन में मैं बनाने जा रही हूँ इनहर, जो यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। बेसिकली उड़द दाल से बनाया जाता है, आप इसको उड़द की कढ़ी भी बोल सकते हैं। दादी नानी के ज़माने की ये रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही पुरानी रेसिपी है। अगर कहें तो दादी नानी के ज़माने की भी ये रेसिपी है। तो कैसे बनाया जाता है, इसके लिए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे यहाँ कोहड़ौरी बनती है तो उस दिन ही इनहर बनाया जाता है, ज़रूर से बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने उड़द दाल भिगोया हुआ था लगभग 1 kg, तो इसी से मैं इनहर बनाऊँगी। तो ये मैंने रात को भिगो दिया था, ओवरनाइट अच्छी तरीके से भीग गया है। वैसे आप उड़द दाल 1 से 2 घंटे के लिए भी गुनगुने पानी में भिगो देंगे तो बहुत ही आराम से ये फूल जाएगा। तो मैंने अच्छी तरीके से धुल के इसके सारे छिलके को निकाल के छान लिया है, पानी पूरी तरीके से वॉश करके ड्रेन कर दिया है, और अब मैं पानी डाल के मिक्सर जार में इसको पीसूँगी। तो जब भी आप उड़द दाल को पीसिएगा तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो पेस्ट गीला हो जाएगा और फिर हमको इनहर के लिए उसके पकौड़ी बनाने में दिक्कत होगी। तो इसी प्रोसेस से मैं सारे दाल को पीस लेती हूँ। और अगर आपको यूपी की फेमस कोहड़ौरी कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी और कार्ड्स में भी डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सारे दाल को मैंने पीस लिया है, तो यहाँ मैंने छिलके वाला दाल लिया था, आप चाहो तो बिना छिलके वाला भी दाल ले सकते हो। तो सारे उड़द दाल को मैंने पीस लिया और उसमें अब मैं हींग डाल रही हूँ। तो हींग जब भी आप लीजिएगा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, और हींग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपको कितना हींग डालना है। हींग डालने के बाद मैंने हाथ से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया, ये बिल्कुल ही हल्का एकदम लाइट वेट हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लेती हूँ उड़द के पेस्ट को, और थोड़ा सा एक कटोरी पानी में डालूँगी तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आपका पेस्ट बिल्कुल ही बन के रेडी हो गया। तो मैंने थोड़ा सा बाउल में निकाला था, अब उसमें मैं डाल रही हूँ कटी हरी धनिया पत्ती, कटे लाल मिर्च, आप हरा मिर्च का भी यूज कर सकते हो, स्वाद अनुसार आप रखिएगा। तो यहाँ मैं छोटे ग्रेडर की मदद से थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट कर रही हूँ, ये ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इनहर में। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच तक गरम मसाला। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अब ये हमारा रेडी हो गया। चैनल पे नए हैं तो या से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को या से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यस मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके मसालों के लिए मैंने 1 चम्मच तक खड़ा धनिया, 1/2 चम्मच तक साबुत जीरा, 1/2 चम्मच तक शाह जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग, जावित्री, छबीला, तेजपत्ता और अदरक के कुछ टुकड़े, लहसुन और प्याज को लिया है। इन मसालों में आप कुछ मसालों को स्किप भी कर सकते हैं और मसालों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन मसालों को डालेंगे तो आपका इनहर बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। एक मिक्सर के जार में मैंने सारे मसालों को डाल लिया, 1/2 चम्मच तक हल्दी डाल के, 2 से 3 चम्मच तक पानी डाल करके मसाले को पीस कर रेडी कर लिया। जिस मिक्सर जार में हमने उड़द दाल को पीसा था उसमें मैंने 1 गिलास तक पानी डालकर एक्स्ट्रा जो उसमें उड़द दाल लगे हुए थे तो उसको वॉश करके इस बाउल में साइड में कर लिया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिलबट्टे में पीसते हैं तो उसको भी आप धुल करके एक बाउल में सारा पानी रख लीजिएगा। तो अब हम गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे और उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, 1 कटोरी में पानी ले लिया है और जो हमने उड़द दाल का मिक्सचर रेडी किया था पेस्ट, तो उससे पकौड़ी बनाएंगे। तो जनरली इसी तरीके से लंबे
अंडाकार आकार में इसकी पकौड़ी बनाकर रेडी किया जाता है। आप अपना पसंदीदा कोई सा भी पकौड़ी का शेप दे सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमारे यूपी में जब इनहर की पकौड़ी बनाई जाती है तो इस तरीके से उंगलियों का निशान जरूर से बनाया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो इसकी पकौड़ी आप फ्राई करके भी बना सकते हैं और जगह पर बिना फ्राई करके भी इनहर बनाया जाता है। तो मैं आगे आपको वो भी मेथड बताऊंगी कि वो कैसे बनाया जाता है। तो कुछ उड़द दाल के पकौड़ियों से मैंने पकौड़ी बनाकर उसको फ्राई कर लिया है और कुछ को मैंने ऐसे ही पेस्ट कर रखा हुआ है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि उसका क्या करना है, उसको कैसे मैं उसकी पकौड़ी बनाऊंगी। अगर आप उड़द के पकौड़ी को फ्राई करके कढ़ी बनाएंगे तो आपका इनहर लबलबा लिसलिसापन में तैयार नहीं होगा, और अगर बिना फ्राई करके आप बनाएंगे तो थोड़ा सा लिसलिसा लबलबापन आ जाता है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा पसंद हो आप पकौड़ी फ्राई करके बनाइए या बिना फ्राई करके। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था तो उसमें एक चम्मच तक मैंने जीरा, दो तेज़पत्ता डालकर पिसे हुए मसालों को डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो प्रयागराज से कौन कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे खुशी होगी और मुझे पता चलेगा कि ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। तो जब मैं तड़का लगाती हूँ तब हींग नहीं डालती हूँ, जब मसाला भूनती हूँ तब मैं हींग डालती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक, आधे चम्मच तक कश्मीरी पाउडर और आधे चम्मच तक मैंने धनिया पाउडर डाला है। सारे मसालों को अच्छी तरीके से तेल छोड़ने तक भून लूँगी। यहाँ जो उड़द दाल का पेस्ट मैंने बचा के रखा है इसको अभी आगे क्या करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। मसालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। यहाँ जो उड़द दाल को मैंने धुल के पानी रखा हुआ था तो अब इसको डाल देंगे। पानी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो, एक्स्ट्रा पानी भी मिला सकते हो। वैसे ये जैसे पकती है गाढ़ी भी होती है और बहुत ही तेज़ी से उफान भी इसमें आता है, मतलब ऊपर आता है। तो सावधानी पूर्वक इसको बनाएंगे। उबाल अच्छी तरीके से आ गया है। अगर आपको ग्रेवी पतली लगे तो जो उड़द दाल का पेस्ट आप बना के रखी रहेंगी उसमें से दो चम्मच तक निकाल के उसमें पानी मिक्स करके उसका आप पानी रेडी करके रख लीजिए ग्रेवी में डालने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी। अब मैंने जो उड़द का पेस्ट भिजा के रखा था उसके सेम उसी तरीके से अंडाकार में पकौड़ी बनाऊँगी। और ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप इस तरीके से पकौड़ी डालिएगा तो ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से उबाल आना जरूरी है, नहीं तो अंदर जाके पकौड़ियाँ टूट जाएंगी और अगर खौलते पानी में डालेंगे ये तो तुरंत ही तैरने लगेगा। सारे पकौड़ी को बना के मैंने डाल दिया है। आप जो फ्राई किए थे वो पकौड़ी भी मैं साथ में डाल दे रही हूँ तो ये ग्रेवी में पक जाएगी। आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से पकौड़ियाँ बना सकते हैं। आपके घर में जैसा खाएं जैसा पसंद करें, दोनों तरीके की बनी हुई कढ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेवी में उबाल आ गया है। इसको 10 से 11 12 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद इनहर बिल्कुल ही पक के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगा है। इनहर की पकौड़ी ग्रेवी को अच्छी तरीके से सोक करके ऊपर तरने लगी है। अब कटे हरे धनिए को डाल करके गैस बंद कर देंगे और एक मिनट तक के लिए ढक देंगे। तो इससे कटे हरे धनिए का फ्लेवर और खुशबू सारे इनहर में आ जाएगा। आपके यहाँ अगर इस तरीके की ये रेसिपी उड़द दाल से बनती है तो आप लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी सी खुशबू और ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग वाली हमारे उड़द दाल की इनहर, उड़द दाल की कढ़ी बनकर रेडी हो गया है। मेरी स्वर्गीय दादी माँ बिल्कुल इसी मेथड से ये उड़द दाल की कढ़ी इनहर बनवाती थी और हम लोग बचपन में बहुत ही खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मेजरमेंट का हिसाब देखा जाए तो उड़द दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए और मसालों में भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने घर के स्वाद के अनुसार। बाकी तरीका सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, दादी नानी के ज़माने के बिल्कुल पारंपरिक तरीका है ये। चलिए अब इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो इसकी प्लेटिंग के लिए सिंपल सा मेथड है,
आप किसी बाउल में इसको रख लीजिए या किसी थाली में पूड़ी पराठा रोटी और चावल के साथ किसी भी व्यंजन पसंदीदा व्यंजन के साथ आप इसको सर्व करिए या आप इसको ऐसे बाउल में लेके ऐसे भी खा सकते हैं। स्पेशली ये इनहर चावल के साथ बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। उड़द दाल की तासीर गर्म होती है, बादी होती है, तो हींग और अदरक को आप ज़रूर डालिएगा, इससे ये पेट में हल्कापन लाता है। अक्सर ये जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में बनाया जाता है, ये शरीर को गर्म रखता है। वैसे आप किसी भी मौसम में बना के खा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे यूपी में कोहड़ोरी बनती है तो उस दिन ये ज़रूर से उड़द दाल की कढ़ी इनहर बनाया जाता है, ये प्रथा है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग इस तरीके से उड़द दाल की कढ़ी इनहर को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ फीडबैक में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि यूपी का जो ये ट्रेडिशनल डिश है अन्य देशों में प्रदेशों में भी यहाँ के खान पान को लोग जाने। अब इतना मेहनत करके इनहर को मैंने बनाया है तो चलिए टेस्ट करके भी बताया जाए कि इनहर कैसा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये यूपी की ट्रेडिशनल डिश पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हुआ था, बचपन की याद आ गई। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।